रही हूँ, सब लोग कहता है मथुरा वाला पेड़ा मथुरा में ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इसे घर पे भी बना सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरा मावा लेगा, फिर इसको कढ़ाई में डालकर 10 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर भूनेगा। जब तक इसका कलर बिल्कुल मथुरा वाले पेड़ा जैसा नहीं हो जाता तब तक हम इसे भूनेगा। बीच बीच में 1-2 चम्मच इसमें घी भी डालेगा ताकि इसमें और भी अच्छा कलर आ जाए। 10-15 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर हमने मावे को भून लिया है। देखो इसमें कितना प्यारा कलर आ गया है। अब हम इसको पूरी तरह से ठंडा करेगा। अब हमारा मावा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। इसमें डालेगा 1 चम्मच इलायची पाउडर, जितना हमने मावा लिया था उतनी हम इसमें शुगर पाउडर डालेगा। शुगर पाउडर डालकर इसमें गोटम पीटी करेगा। मिक्स करने के बाद इसके छोटे छोटे से लड्डू बनाएगा। अगर तुम्हारे पास सांचा है तो इसको सांचे में रखकर और भी सुंदर फ्लावर का डिजाइन दे सकता है, नहीं तो इसको मुट्ठी से बांध बांध कर भी बनाया जा सकता है। तो हमारे व्यू अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने का।